अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपना नूरानी कायदा शुरू कर चुके हैं। हमने शुरू के 3 हरूफ पढ़ लिए हैं, आज हम छोटा हरूफ पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा हरूफ जो है वो हमारा कौन सा है, हम खोल के देखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले तअव्वुज़ तस्मिया पढ़ेंगे और इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ पढ़ें, तअव्वुज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। इसका तर्जुमा है, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मर्दूद के शर से। इसका तर्जुमा है, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद के शर से। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई सीक रेफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, तो आज हम अपने कायदे का दोबारा से सबक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा अलिफ, फिर हमने पढ़ा ब, फिर हमने पढ़ा त। ठीक है, अलिफ का साउंड होता है अ, बा का साउंड क्या होता है ब, और ता का साउंड क्या होता है त। ठीक है, सिर्फ साउंड पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। ठीक है, जब हम साउंड पढ़ते हैं तो सब खींचते नहीं है, सिर्फ साउंड पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ना है फ। ठीक है, जब भी सा पढ़ते हैं तो आगे के जो दो दांत होते हैं ना, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा सा पे साउंड नहीं निकलता, मतलब सा की सीटी नहीं निकलती, आवाज़ नहीं निकलती। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ें इसको स। अपनी ज़बान की जो नोक है उसको आप दांतों के नीचे लगाएंगे, दो दांतों के नीचे जो आगे के होते हैं, तो फिर जो है आपको आपका साउंड नहीं निकलेगा। ठीक है, सीटी नहीं निकलेगी और आवाज़ नहीं आएगी। मेरे साथ पढ़ें स स। स का साउंड होता है, स का साउंड स होता है, क्या होता है स। मेरे साथ पढ़ें स। ठीक है, इस तरह से अ, फिर ब, फिर त, और फिर क्या है स। ठीक है, स पढ़ेंगे और स का साउंड हमने नहीं निकालना। ठीक है, स को हम बिल्कुल नरमी से पढ़ते हैं, नरमी वाला हरूफ है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। अब हम अपना दूसरा सबक पढ़ते हैं। अब हम अपनी सूरत पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि हमने सूरत अल-आसर याद करना शुरू की है, तो अब हम उसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेरे लास्ट टाइम पूरी सूरत पढ़ा ली थी, आज हम फिर से वो सूरत पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें और अच्छे से याद हो जाए, और आप रोज़ पढ़ेंगे देख देख कर इसकी वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए सूरत अल-आसर। वल-आसर इन्नल الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। अब दूसरा कलमा पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ें दूसरा कलमा। शहादत, शहादत माने गवाही। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। अब हम पढ़ेंगे अस्माउल हुस्ना। हमने शुरू की 3 अस्माउल हुस्ना पढ़ लिए थे, और कौन कौन से थे? अल्लाह के नाम,
अर रहमान, बड़ा मेहरबान, द मोस्ट ग्रेशियस। फिर हमने पढ़ा अर रहीम, रहम करने वाला, द मोस्ट मर्सीफुल। फिर हमने पढ़ा अल मालिक, बादशाह, द सुप्रीम लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे अल कुद्दूस। क्या पढ़ेंगे? अल कुद्दूस। मेरे साथ पढ़ें, अल कुद्दूस, बुराइयों से पाक साथ, फ्री फ्रॉम ऑल फ्लॉज। अल कुद्दूस, बुराइयों से पाक साथ, फ्री फ्रॉम ऑल फ्लॉज। एक दफा फिर पढ़ेंगे अल कुद्दूस, बुराइयों से पाक साथ, फ्री फ्रॉम ऑल फ्लॉज। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और उसके जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, इस तरह जब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसका जवाब देते होंगे ना मुझे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जब हम कहीं से जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, या तो फी अमानिल्लाह, या तो हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहीं से जाते वक्त। ठीक है, आते हुए तो हम वैसे भी सलाम करते हैं। ठीक है, इस तरह से अभी आप जब मैं जाने लगूंगी तो मैं आपको दोबारा बोलूँगी फी अमानिल्लाह, या तो मैं सलाम करूँगी। ठीक है, दोनों चीज़ें बोलेंगे, सलाम कहना ज़्यादा बेहतर है और फी अमानिल्लाह भी कह सकते हैं आप, वो भी बेहतर है। ठीक है, सो फी अमानिल्लाह बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।